नमस्कार फ्रेंड, मैं ऋतिक राज उर्फ रूपेश। आइए कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। एक चिड़िया ने एक मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, पर आपका टैलेंट, आपका हुनर नहीं। इसीलिए बुजुर्गों ने खूब कहा है कि ज्ञान जहां मिले उसे तुरंत ग्रहण करो, क्योंकि सब कुछ बांटा जा सकता है, ज्ञान नहीं। यह संसार जो है जरूरत के नियम पे चलता है। जैसे सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब तक होगी जब तक आपकी जरूरत है। बस यही दुनिया का दस्तूर है, यही संसार का रीत है। तालाब एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का फर्क होता है, आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हो तो कांटों के साथ तालमेल की कला तो सीखनी पड़ेगी। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे तो बहुत दूर दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। इसीलिए एक एक कदम चलते रहिए, रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। विचार ऐसा रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़ जाए। गौर कीजिएगा, समुद्र बनकर क्या फायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहां पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। दोस्त, तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता होना भी जरूरी है, तभी वह एक महान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इसे यही साबित होता है कि यह संसार जो है वो स्वार्थी है। आप अपने हिसाब से अपने जिंदगी को जिए और इस तरह जिए कि आपके लाइफ का कोई भी ऐसा मूवमेंट अधूरा ना रह जाए। और मैं बस आपको इतना कहना चाहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड।